नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर बिहार की सियासत से जुड़ी एक नई पार्टी को लेकर आपको पूरी जानकारी देंगे। बिहार की राजनीति में एक और नई पार्टी की एंट्री हो गई है, नाम है जन स्वराज। संयोजक है प्रशांत किशोर, जिन्होंने ये दावा किया है कि जन स्वराज पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग है। जन स्वराज के कास्ट पॉलिटिक्स से अलग होने का भी दावा किया जा रहा है। आज हम ये जानेंगे कि पीके की कास्ट पॉलिटिक्स दूसरी पार्टियां यानी बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल से अलग कैसे है। और प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है। जन स्वराज पार्टी के तौर पर चुनाव आयोग से इजाजत मिल चुकी है। मनोज भारती को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा चुका है। पार्टी लॉन्चिंग के मौके पर जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने शराबबंदी को खत्म करने और बिहार को बेहतर बनाने की बात कही है। साथ में ये बड़ा दावा भी कर दिया है कि जन स्वराज बाकी पार्टी का डब्बा गोल कर देगा। दो अक्टूबर 2024 बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी का उदय हुआ। देश की राजनीति में अपनी चुनावी रणनीति का लोहा मनवा चुके प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी जन स्वराज के लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया। अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा बिहार बनाएंगे कि देश दुनिया में कोई आदमी बिहार और बिहारी को गाली नहीं दे पाएगा। अपनी नई पार्टी के लॉन्चिंग के मौके पर प्रशांत किशोर ने विरोधियों पर वार किया तो बिहार के लोगों को खूब बड़े सपने दिखाए। साथ में ये दावा भी किया कि सरकार बनी तो शराबबंदी को एक घंटे में खत्म कर देंगे। शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा, अगले 20 बरस बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। शराबबंदी जाएगा, नई शिक्षा व्यवस्था आएगी। एक तरफ प्रशांत किशोर ने अलग तरह की राजनीति की तस्वीर दिखाने की कोशिश की तो दूसरी ओर एक दलित कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर राजनीति की पुरानी परिपाटी पर ही चलते दिखे। प्रशांत किशोर रैली के दौरान अपने नए अध्यक्ष की खूबियों को गिनाते रहे और बीच बीच में दलित अध्यक्ष बताना भी नहीं भूल रहे थे। जन स्वराजियों क्या विचारधारा हुई मानवता, मानवता से आगे बढ़कर कोई बात नहीं। करीब 12 साल पहले 26 नवंबर 2012 को ऐसे ही बड़े बड़े दावे और राजनीति को बदलने के सपनों के साथ दिल्ली में एक पार्टी का गठन हुआ था। नाम रखा गया आम आदमी पार्टी। आज उस पार्टी के वादों और दावों की सच्चाई सबके सामने है। सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार की तस्वीर बदल पाएंगे, बिहार की जमी जमाई पार्टियों की जमीन खिसका पाएंगे या फिर कुछ सालों बाद उसी पुराने तरह की राजनीति के रंग में रंग जाएंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं प्रशांत किशोर ने अलग तरह की राजनीति की तस्वीर दिखाने की कोशिश तो की है और दूसरी ओर एक दलित को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर राजनीति की पुरानी परिपाटी भी चलकर उन्होंने दिखा दी है। प्रशांत किशोर रैली के दौरान अपने नए अध्यक्ष की खूबियों को गिनवाते रहे और बीच बीच में दलित अध्यक्ष बताना भी नहीं भूल रहे थे। कास्ट पॉलिटिक्स में दूसरों से अलग दिखने का दावा करने वाली प्रशांत किशोर पर अब बिहार के राजनीतिक दल के नेता तंज भी कस रहे हैं। पार्टी का अध्यक्ष की जगह कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, इसका मतलब है प्रशांत किशोर पांडे अपनी राजनीति और अपने आप को कहीं ना कहीं पूरे पार्टी का जो कमान है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं, इसीलिए वो कार्यकारी अध्यक्ष की व्यवस्था की है। और जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सारे चीजें मुहैया कराई गई हैं
उसी के माध्यम से लदुआ भीड़ ला करके अपने आप को स्थापित होना चाहते थे, लेकिन वो स्थापित नहीं हो पाए। आज पहले ही दिन बिहार की जनता ने, बिहार के लोगों ने उनको स्पष्ट संदेश दे दिया। क्या उन्होंने कभी भी इस वर्ग की समस्या को लेकर के कभी उन्होंने आवाज उठाई है? क्या उन्होंने कभी आंदोलन धरना प्रदर्शन किया है इस विषय को लेकर के? क्या उन्होंने कभी भी इस विषय को लेकर के सरकारों के समक्ष किसी मांग को रखा है? उन्होंने ऐसा नहीं किया, पहले तो उनको साबित करना चाहिए था। लेकिन श्री मनोज भारती जी के दलित होने का, उनकी जाति को बार बार कह करके वो दिखाना चाह रहे थे कि वो दलित हितैषी है, पिछड़ा हितैषी है और अति पिछड़ा हितैषी जो सिर्फ ढोंग है और कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक लाभ लेने का वो प्रयास कर रहे हैं। एक कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जन स्वराज पार्टी की स्थापना के साथ ही प्रशांत किशोर एक्सपोज हो गए। बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रशांत किशोर राजद जैसे दलों के धरने पर चलते दिखे। यह साफ हो गया कि जातिवाद की राजनीति का विरोध प्रशांत किशोर का सिर्फ एक दिखावा था। आखिर मन से बार बार यह बताने की उन्हें क्या जरूरत पड़ गई थी कि जन स्वराज के कार्यकारी अध्यक्ष दलित हैं? क्या यह दलितों को अपनी तरफ आकर्षित करने का भोंडा प्रयास नहीं था? पीके भी यह भूल गए हैं कि जन स्वराज के कार्यकारी अध्यक्ष के कसीदे पढ़ने से दलित उनके समर्थन में खड़े नहीं होंगे। देखिए, ये प्रशांत किशोर नहीं, परेशान किशोर हो गए हैं। क्या नहीं बात कही उन्होंने, बातें तो बड़ी बड़ी बोलते थे, डिंग हाँकते थे, ये कर देंगे, नया व्यवस्था की बात करेंगे। देख लीजिए उनके मंच पे कैसे लोग क्या थे, परिवारवाद का पूरा एक जमवाड़ा था, किस तरह के लोग वहां बैठे हुए थे, किसी से छुपा नहीं है। और वो भी तो बीजेपी की ही बात कर रहे हैं ना, जात पात की बात। अध्यक्ष बना है तो गिनाते नहीं थकते हैं कि किस कम्युनिटी से बना है। बापू सभागार में पहली मीटिंग में सबकी सहमति से यह तय हुआ था कि पहला अध्यक्ष समाज से सबसे कमजोर वर्ग से बनाया जाएगा। प्रशांत किशोर जी ने अपनी बात पूरी की, कमान एक कमजोर तबके को दी, दलित के बेटे को दी, मगर उस समाज के सबसे काबिल आदमी को खोज कर निकाला है। किसी आठवीं या नौवीं फेल के हाथ में पार्टी की कमान नहीं थमाई। और बिहार की राजनीति में जाति एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता है, और इसीलिए शायद कहते भी हैं कि बिहार की राजनीति से जाति है कि जाति ही नहीं, जाति और जमात राजनीति की सच्चाई है। और बिहार में बिना जाति के राजनीति नहीं होती है। सवर्ण, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक ऐसे कई वर्ग हैं, और जाति की राजनीति से पीके ने इनकार कर दिया। ये कह दिया कि हमारी जो नई पार्टी लॉन्च हुई है वो इससे हटकर होगी, वो कास्ट पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाएगी। हर जाति को स्थान देने की वो बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जाति क्या होती है, ये वो सवाल करते हैं। और आइए एक नजर डाल लेते हैं कि बिहार में एक्टिव राजनीतिक दलों के कोर वोट बैंक कौन कौन से हैं जाति के आधार पर। बीजेपी का कोर वोट बैंक है सवर्ण और पिछड़ा वर्ग, दोनों ही मिलकर बीजेपी को वोट देते हैं, उन्हें अपना नेता चुनते हैं। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, और जेडीयू को लवकुश की पार्टी माना जाता है, यानी कि जेडीयू जो है वो लवकुश की पार्टी है। कुर्मी कोयरी जेडीयू के कोर वोटर्स माने जाते हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि अलग अलग राजनीतिक दल के अलग अलग कौन कौन से कोर वोटर्स हैं, और जेडीयू भी दावा यही करती है कि उसे समाज के सभी वर्ग का समर्थन हासिल है। वही राष्ट्रीय जनता दल की अगर हम बात कर लें तो राष्ट्रीय जनता दल का कोर वोटर है MY। हमेशा से कहा जाता है कि RJD MY समीकरण को हर चुनाव में साधती है। अब ये MY कौन है ये भी जानिए। मुस्लिम और यादव, उन्हें कहते हैं MY। तेजस्वी MY के साथ बाप यानी कि सभी जाति के समर्थन का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी पार्टी तो A to Z की पार्टी है, हम सिर्फ M और Y का समर्थन नहीं करते, उन्हें अपने पक्ष में नहीं करते, बल्कि A to Z हर जाति के लोग हमारा समर्थन करते हैं, ऐसा कहते हैं तेजस्वी यादव। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जैसा कि पीके दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी बाकी पार्टियों से अलग है, लेकिन जाति की राजनीति में वे भी घिरे हुए नजर आ रहे हैं, कैसे वो भी जान लीजिए। पीके ने मनोज भारती का बनाया जन स्वराज का कार्यकारी अध्यक्ष है, और दलित समुदाय से मनोज भारती आते हैं,
और ऐसे में ये उन्होंने बार बार स्पष्ट तौर पर कहा कि ये दलित जाति के हैं। जाति से दूर रहने का दावा भले ही प्रशांत किशोर ने किया, लेकिन मनोज भारती के दलित होने का जिक्र भी उन्होंने ही कई दफा किया है। बड़ा सवाल है कि आखिर जन स्वराज के कार्यकारी अध्यक्ष की जाति बताकर क्या संदेश देना चाहते हैं प्रशांत किशोर? और जब उन्होंने ये कह दिया कि उनकी पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग है, वो जाति से हटकर राजनीति करेंगे, तो आखिर क्यों ये बताना पड़ रहा है कि उनके पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष दलित जाति से आते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। बढ़ते आगे, प्रशांत किशोर की सियासत में एंट्री हो गई है। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी बनाई है। प्रशांत किशोर की राजनीतिक में एंट्री के बाद सियासी तापमान और भी ज्यादा बढ़ गया है। जेडीयू ने कहा कि चुनाव के मौके पर बहुत से लोग दुकान खोलते हैं और पीके भी दुकान खोल चुके हैं। बीजेपी ने कहा कि राजनीति को व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल करने वालों को बिहार की जनता धूल चटा देती है। तो आरजेडी और कांग्रेस ने भी प्रशांत किशोर पर तंज कसा है। अरे भाई, चुनाव विधानसभा का आने वाला है कि नहीं बिहार में, तो दुकान खुलेगा ना? चुनाव के मौके पर बहुत दुकान खुलते हैं। सवाल है कि आप ही के मजबूत सहयोगी थे? नहीं, हमारे कोई सहयोगी नहीं थे। वो राजनीतिकार हैं, कभी बंगाल में ममता जी के पास चले जाते हैं, कभी कांग्रेस के पास वहाँ चले जाते हैं उत्तर प्रदेश में। अब बाजारों शिखंडियों के माध्यम से बिहार की चुनावी बेतरनी पार करना चाहती है। अब ये तो जो लॉन्च हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी का बेबी प्रोजेक्ट है, अब बेबी प्रोडक्ट भी है। राजनीति जनता की सेवा का मार्ग होता है। राजनीति में व्यवसाय की जगह नहीं होती। राजनीति को व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल करने वालों को बिहार की जनता धूल चटाने में देर नहीं करती। अभी तक प्रशांत किशोर की सिर्फ बड़ी बड़ी बातें सुनी गई है। जनहित या राष्ट्र हित के लिए प्रशांत किशोर ने क्या किया? शुभकामना है, आजादी है सबको पार्टी चलाने की। आज से उनकी असली परीक्षा शुरू होगी। और प्रशांत किशोर के नई पार्टी बनाने के दौरान शराबबंदी खत्म करने का बयान दिया था, और इस बयान पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। उन्होंने प्रशांत किशोर पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीके महात्मा गांधी के विचारों की हत्या कर रहे हैं। तहत जो है महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर पूरे भारत में शराबबंदी, शराब की खरीद बिक्री पर पूरे कानूनी अपराध है, और महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर जिनको प्रशांत जी आदर्श अपना मानते हैं उनके अवसर पर उनके विचारों को कुचलना, अपमान करना, हम तो पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम जब प्रशांत जी से पूछना चाहते हैं कि आप बड़े बड़े अपने बैनर में बड़े बड़े महात्मा गांधी जी के फोटो लगाए और उनके जो उपदेश है, जो उन्होंने कहा कि सामाजिक जो पाप है जिसके बारे में उन्होंने कहा कि सिद्धांत के बिना राजनीति की नहीं। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने आरजेडी के प्रदेश महासचिव पंकज यादव को गोली मार दी। घटना सफिया सराय थाना इलाके के हवाई अड्डा मैदान की है, जहां मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने आरजेडी नेता को गोली मारी है। उन्हें गंभीर हालत में प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अपराधियों ने उन पर तीन गोली चलाई, जिसमें से एक उनको छू कर निकली तो दूसरी उनके सीने में लगी। डॉक्टरों ने गोली निकाल दी है, फिलहाल वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बाइक सवार अपराधियों की पहचान मिट्ठू यादव और नमन यादव के रूप में की गई है। बताया ये जा रहा है कि मिट्ठू यादव बुधवार को भी उसके घर आया था और किसी केस में पंकज यादव से पुलिस से पैरवी करने को कह रहा था, जिसे पंकज ने नकार दिया था। इतना बीच में गायब हो जाता है, पुलिस से बात करें। 6 बजे घूमने के लिए घूम रहा था, उसी समय एक मोटरसाइकिल पर दो आदमी, एक मिट्ठू यादव और एक और लड़का है, मिट्ठू पीछे बैठा हुआ था, इसके पास सटा और गोली चलाया। एक दो गोली थोड़ा हल्का हल्का लगा, एक तो पेशेंट ही बता सकता, और एक गोली जब हल्ला हुआ तो फायरिंग करते हुए
मैं पश्चिम की ओर भिंडवाड़ा की ओर था कि राजद के सचिव महासचिव हैं कोई पंकज यादव, उनको मॉर्निंग वॉक के दौरान एयरपोर्ट के अंदर गोली मार दी गई है और गोली मारने वाले व्यक्ति अपैची पे हैं, इस तरह का इन्फॉर्मेशन आया। मैंने थानाध्यक्ष कासिम आजाद और थानाध्यक्ष सत्या सराय को सूचित किया और ये भी उन्होंने बताया कि वो नेशनल हॉस्पिटल ले जा रहा है और गोली जो है उनके सीने में लगी है। अभी हम डॉक्टर से और बाकी आम लोगों से बातचीत हुआ है, उन्होंने बताया है कि आउट ऑफ डेंजर है और हम लोग इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। वहीं आरजेडी नेता को गोली मारने की घटना पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार में कानून का राज है और कोई अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। घटना के उद्भेदन को लेकर मैं इतना कह सकता हूं कि जो बिहार की पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड 2005 के बाद है, कतई किसी भी अपराधी को वारदात करने के बाद भागने की इजाजत नहीं मिल सकती है। बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी और ये कानून का शासन है। कोई किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो, नेता हो, आम लोग हो, अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझती है। और नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद मोतिहारी में तबाही मच गई है। जिले के संग्रामपुर प्रखंड के कई गांव और टोला में करीब 18 घर गंडक नदी में डूब गए। पीड़ित लोग लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वहां के लोगों से उनका हालचाल जाना है। बारिश ने पूर्वी चंपारण में तबाही मचाई है और अभी हम खड़े हैं संग्रामपुर प्रखंड के कुछरिया गांव में। देखिए, यही वो गांव है जहां पर लगभग 18 से 20 घर जो है उसको गंडक नदी ने अपने आगोश में ले लिया है और तमाम जो परिवार है वो यहां से विस्थापित होकर जो है वो बांध के शरण लिए हुए हैं। पूरा गांव परेशान है, गांव के लोग परेशान है और खासतौर पर काफी नुकसान हुआ है। ये तस्वीर जो है ये बयां हो रहा है कि कैसे कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है। यहाँ तो बहुत मकान ढो गया है, कोई आदमी कोई साधन नहीं है जे अपना सामान लेकर बाहर जाए, बाढ़ आ गया है। तो कितना मकान, 15-20 घर मकान पक्का का गिर गया है, फूस का जो गिरा है सो बहुत गिरा है ना। बाढ़ के लिए काम तो हो रहा था, यहाँ पे काम हो रहा था कम से कम 11 साल से तो काम में हो रहा है। हम लोग को कोई फर्क नहीं है, 30 करोड़ रुपया खर्चा हो गया फिर भी सारा गांव ढो गया। ये पैसा इतना खर्चा हुआ कि उसमें गांव बच सकता था, मगर हमारा सब दोष है सरकार का। पैसा खर्चे करने के लिए देता है मगर वो प्रयोग जहाँ से अभी देखिए दो 3 किलोमीटर के आसपास में यहाँ तक अभी पूरा गाछ बिरिज था। अभी तक जो भी है 20-25 घर अभी गिर गया है, अभी कितना कटाव करेगा। अनगिनत घर गिरा है, अब उसमें क्या कहना है। बहुत परेशानी में है, बहुत परेशानी में है। कोई आ रहा है कि नहीं पूछने? कहाँ कोई आ रहा है, नमक चूरा भी नहीं मिल रहा है। मैं प्रशासन से ये तमाम लोग गुहार लगा रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से मदद की जाए, उनको अलग कहीं बसाया जाए ताकि बार बार की जो बाढ़ की जो विस्का होती है उससे उन लोगों को बचाया जा सके। अनीश कुमार, न्यूज 18, संग्रामपुर। और अगली खबर गोपालगंज से आपको बताएं, जहां सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। मंदिर परिसर में इतनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए हैं कि भीड़ के बेकाबू होने से भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जानकारी के अनुसार सुबह के 3 बजे से मजिस्ट्रेट और पुलिस जवान को सुरक्षित तौर पर वहां पे सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए तैनात किया गया था, लेकिन पुलिस बल सुबह तक मौके पर नहीं पहुंच पाए। अफसरों की लापरवाही के कारण वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। श्रद्धालु जिला प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।